नमस्कार अमरीजनों, आप देख रहे हैं सीयूटी पाठशाला, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अभी जो समय चल रहा है वो काउंसलिंग का है और मैं आप लोगों को लगातार एक बात बताता हूं कि पेशेंस रखना बहुत जरूरी है और अलर्ट रहना है आपको। हर एक अपडेट्स के साथ अलर्ट रहना है, अपडेटेड रहना है। जितना मैं अपडेटेड हूं उतना ही आप अपडेटेड रहो। जो भी चीजें मैं आपको बताऊं आप उसको जितनी जल्दी हो सके सुनो और समझो और फॉलो करो। अभी आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं, जो कि आपके कमेंट्स में भी मुझे देखने को मिला कि सर बीएचयू यूजी प्रोग्राम में ऑलमोस्ट अभी तक कुल कितना फॉर्म आ चुका है। और इस पे इसके पहले भी मैं चर्चा किया था कि मैं आपके लिए वीडियो ले आऊंगा और आप देख रहे होंगे कि सीयूटी पाठशाला पे कंटिन्यूअस आपके काउंसलिंग से रिलेटेड जो वीडियोज हैं वो देखने को मिल रहा होगा। मैं आपको ये भी बोल रहा हूँ कि आपको यहीं पे ऑफिशियल कट ऑफ लिस्ट भी देखने को मिलेगा जब आपका कट ऑफ रिलीज होने लगेगा तब। अब आज का जो डेटा है ये मैं आपको बताऊं, इससे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि लास्ट ईयर का जो कट ऑफ था उसमें कट ऑफ आने से पहले जो रजिस्ट्रेशन के नंबर्स थे वो कितने थे। देखो हमें ये इसलिए जानना चाहिए जिससे हमें ये पता चल सके कि इस बार का कंपटीशन लेवल क्या होने वाला है। भाई यही तो है और क्या, हम क्यों जानेंगे कि फॉर्म कितना आया, हमें इससे क्या मतलब है। लेकिन हाँ, ये जानना इससे जरूरी हो जाता है क्योंकि इसी से अंदाजा लगता है कि कितने बच्चे इंटरेस्टेड हैं एक पर्टिकुलर कोर्स में और क्या लेवल होने वाला है कट ऑफ का। लास्ट ईयर जो फॉर्म भरे गए थे बीएचयू में सीयूईटी के फॉर्म में बीएचयू चॉइस करके वो तो 5-6 लाख थे, इवन सेकेंड हाईएस्ट था। इस बार भी सेकेंड हाईएस्ट है बीएचयू, लेकिन ये जब बीएचयू रजिस्ट्रेशन पर्टिकुलर अपने पोर्टल पर कराने लगता है तो ये डेटा बहुत कम हो जाता है, ये उसका लगभग 20% हो जाता है। और वो कुछ इस तरीके से लास्ट ईयर था कि 1 लाख भी पूरा नहीं था। मतलब देखो, रजिस्ट्रेशन करना और पेमेंट करना तो दोनों अलग डेटा है। जो रजिस्ट्रेशन हुए वो तो बहुत ज्यादा हुए, मान लो कि वो 1,20,000-30,000 हुए होंगे, लेकिन जो यूनिवर्सिटी को पेमेंट दिया गया कि हाँ मुझे फाइनली इस कोर्स में रजिस्ट्रेशन करना था, वो जो पेमेंट मिला वो लगभग 80-85,000 ही था पूरे कोर्स को मिला के, पूरे यूजी प्रोग्राम बता रहा हूं मैं। इस बार का जो डेटा है वो अभी तक इस डेटा से अभी आगे निकल चुका है, जबकि रजिस्ट्रेशन अभी भी खुला हुआ है। मतलब अभी भी रजिस्ट्रेशन लगातार हो रहा है। रजिस्ट्रेशन की जो लास्ट डेट रखी गई है वो रखी गई 23rd of July, यानी आज से 4-5 दिन का अभी मौका है। जो लोग रजिस्ट्रेशन नहीं किया वो जाकर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अभी का जो डेटा है वो है लगभग अप्रॉक्स 85,000-90,000 के आसपास फॉर्म जो है वो भरे जा चुके हैं। अच्छा, पता है डेटा लास्ट ईयर से इस बार ज्यादा क्यों हो रहा है? क्योंकि अवेयरनेस लास्ट ईयर नहीं था उतना, इस बार अवेयरनेस भी हो गया है। लास्ट ईयर लैक ऑफ अपडेट्स एंड इन्फॉर्मेशन के बच्चे जो है वो क्या है, रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाए, लेकिन इस बार वो कर पा रहे हैं। इतना ही नहीं, मैं आपको बता दूं कि इस बार एक और बड़ी कारण है, एक बड़ा कारण है, एक बड़ा रीजन है जिसकी वजह से बीएचयू में रजिस्ट्रेशन लास्ट ईयर ज्यादा होने वाला है या हो रहा है। पता है क्यों? क्योंकि बीएचयू ने अपना रजिस्ट्रेशन पोर्टल पहले ही ओपन कर दिया, जबकि बच्चों को यह भी नहीं पता था कि मेरे मार्क्स कितने आएंगे, मुझे बीएचयू में एडमिशन मिलेगा कि नहीं। अभी बात ध्यान देने वाली है, सोचने वाली है कि जब बीएचयू ने रजिस्ट्रेशन ओपन किया आज के 20 दिन पहले ही, तो ऐसे में वो बच्चे भी अपना बीएचयू में रजिस्ट्रेशन कर दिए जिन्होंने चॉइसेज भी नहीं रखे हुए थे। उनका जो पेपर है, जो उनका एलिजिबिलिटी है कोर्स का, वो भी फुलफिल नहीं हो रहा था। और तीसरा, उनका अब मार्क्स बहुत कम है और वो बीएचयू में पढ़ना चाहते थे और उन्होंने बीएचयू में रजिस्ट्रेशन कर दिया। ये कई सारे ऐसे फैक्ट हैं, ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि विचार करने वाले हैं, एनालाइज करने वाले हैं, और वही कारण है कि इस बार फॉर्म ज्यादा आ रहे हैं। वैसे मैं आपको अगर बहुत पीछे ले जाऊं, जब बीएचयू अपना खुद का एग्जाम कराता था तो एक पर्टिकुलर कोर्स में 70,000 फॉर्म आ जाते थे। एग्रीकल्चर में एक बार तो हाईएस्ट अप्लीकेंट अप्लीकेशन आए हुए थे, हाईएस्ट अप्लीकेंट्स फॉर्म डाले हुए थे लगभग 75,000 अकेले बस एसी में था। 25-30,000 तो बीएलएलबी में आ जाता था, बीए और आर्ट्स मिला के, सोशल आर्ट्स मिला के लगभग 65-60 पहुंच जाता था। टोटल ये पूरी क्वांटिटी 4.5-5,000 पहुंच जाती थी। लेकिन हाँ, वो एग्जाम देने की क्वांटिटी थी। बीएचयू में आज भी एग्जाम देने की क्वांटिटी लगभग उतनी है, 5-6 लाख आप लोग सुनते ही हो। लेकिन उसके बाद कट ऑफ में शामिल होने के लिए जो इंटरेस्ट दिखाते हैं बच्चे, वो लगभग 1 लाख के आसपास या 1.5 लाख। अब इस बार का हम लोग डेटा देखते हैं कि आने वाले 5 दिनों में बीएचयू में यूजी प्रोग्राम में कितने बच्चे आते हैं। हाँ, ये बात जानने वाला है, सुनने वाला है और आपको समझने वाला है कि अब जो लोग रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, जो लगातार अब अप्लीकेंट्स अपना रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, कहीं ना कहीं ये कॉन्शियस है, इनका मार्क्स बहुत हाई है, तो कट ऑफ में यही बच्चे जो है वो आएंगे और यही कट ऑफ को हाई ले जाएंगे। क्योंकि इससे पहले तो उन्हें पता भी नहीं था हमारा मार्क्स, रिजल्ट आया ही नहीं था, अब तो रिजल्ट आ चुका है।
तो ऐसे वीडियोज के लिए हमको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, क्योंकि ये सब डेटा आपको हर जगह सुनने देखने को नहीं मिलेगा। और कमिंग टाइम में मैं आपको बहुत अच्छे अच्छे वीडियोज देने वाला हूँ, जैसे कि पीजी करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, आपके एक दिन का, एक महीने का या एक साल का पूरा बीएचयू पढ़ने का जो खर्चा है वो कितना होता है, आसपास के अकोमोडेशन के बारे में आपको बताने वाला हूँ, साथ ही साथ किस कोर्स की जो डिमांड है मार्केट में, प्लेसमेंट है, उस कोर्स के बारे में हम लोग जानेंगे। बाकी आप कमेंट करके बोल सकते हो उस वीडियो में कि सर हमें ये पॉइंट्स नहीं समझ में आ रहा है, आप इस पे वीडियो ले आए, मैं उस पे वीडियो ले आऊंगा। आपको बस इतना करना है, चाहे सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है। साथ ही साथ कमिंग टाइम में मैं आपके लिए पर्टिकुलर कोर्स वाइज डेटा लेकर आऊंगा कि हाँ बीए में इतना डेटा आया है, बीएलएलबी में इतना आया है, बीकॉम में इतना आया है, बीएससी में इतना आया है। अगर आप चाहते हो कि हाँ ये डेटा आपके सामने भी आए, तो प्लीज कमेंट जरूर करें, इस वीडियो को शेयर करें और इस वीडियो को लाइक करें, लाइक जरूर करें, भूल जाते हैं आप लोग, सब्सक्राइब करें इस चैनल को और मुस्कुराते रहें, सपोर्ट करें। और इस काउंसलिंग के साथ साथ आप लोग का एडमिशन हो जाए और ये चैनल भी 1 लाख में पहुंच जाए, लेकिन इसमें आप लोग का सहयोग बहुत बना रहे तभी हो पाएगा। सो बहुत सारी शुभकामनाएं, ऑल द बेस्ट।